स्टोरी सुनने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हमारी वेबसाइट अब लाइव हो चुकी है, जिस पर आप कई तरह का इन्फॉर्मेटिव और इन्फोटेनमेंट कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ सकते हैं। मैं हर रोज इस पर एक या दो ब्लॉग्स अपडेट करता हूँ। अगर आपको हॉरर मूवीज के सजेशंस चाहिए या फिर आप अलग अलग फोकलोर मिथ और हिस्ट्री के बारे में जानना और पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाइए और इन्जॉय कीजिए। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, रील्स देखिए, एंजॉय करिए, हैव फन। विक्रम को अपना ग्रेजुएशन पूरा किए 3 साल हो गए थे, और पिछले 3 साल से उसने अपनी हफ्ते की छुट्टी के सिवा एक भी छुट्टी नहीं ली थी, और इसके बदले में उसे अपनी कंपनी से सिर्फ शाबाशी ही मिली थी। 1 साल से उसका इंक्रीमेंट भी नहीं हुआ था, और वो अपने काम के बोझ तले दबता ही जा रहा था। कॉलेज से निकलने के बाद उसका वो कॉन्फिडेंस और मोटिवेटेड एटीट्यूड जैसे कहीं खोता सा जा रहा था। हर दिन 45 मिनट का रास्ता तय करके ऑफिस आना, और देर शाम तक ऑफिस में काम करने से उसकी सेहत खराब हो गई थी। एक शाम जब विक्रम ऑफिस से घर लौटा तो वो बहुत थका हुआ था। किसी तरह उसने खाना खाया और सोने चला गया। अगले दिन उसे फिर से अपना रूटीन दोहराना था, पर आज रात विक्रम को सीने में दर्द और जलन जैसा महसूस होने लगा। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या है। उसने बिस्तर पर उठने की कोशिश की तो तेज चक्कर आने की वजह से वो बिस्तर पर ही गिर पड़ा। विक्रम समझ चुका था कि उसे हॉस्पिटल जाना ही होगा। उसने तुरंत ही हेल्पलाइन पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई। अगले 2 दिन विक्रम हॉस्पिटल में ही एडमिट रहा। उसे 3-4 बोतल ग्लूकोज चढ़ा था। उसके डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा काम करने और अपने दिमाग पर बोझ लेने की वजह से उसे पैनिक डिसऑर्डर की परेशानी हो गई है। उसे कुछ दिनों की छुट्टी और दवा दोनों की ही जरूरत थी, पर विक्रम बहुत ज्यादा दिन आराम नहीं कर सकता था। उसे कुछ न कुछ काम तो करना ही था, क्योंकि उसे कुछ पैसे घर भी भेजने होते थे। विक्रम ने अपनी नौकरी छोड़ दी और हाईवे पर मौजूद ही एक पिज्जा पार्लर में उसे मैनेजर की नौकरी मिल गई। विक्रम की सैलरी उसकी पुरानी कंपनी से थोड़ी कम थी, पर उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। उसे यहां आने में थोड़ा वक्त तो लगता था, पर सुबह जल्दी उठने का यह कोई झंझट नहीं था। वो यहां जीन्स टी शर्ट पहनकर काम कर सकता था, और सारे एम्प्लॉयज उसके दोस्त जैसे ही थे। अगर सीधे लफ्जों में कहें तो विक्रम को यहां पर कोई टेंशन नहीं थी। वीकेंड्स पर उसके पार्लर में ठीक ठाक भीड़ रहती थी, क्योंकि वहां शहर से कई लोग घूमने फिरने आते थे। हाईवे के पास मौजूद ये पार्लर शहर की भीड़ भाड़ से अलग था। शुक्रवार की रात करीब 12 बजे विक्रम 1-2 एम्प्लॉयज के साथ स्टोर बंद करने में लगा हुआ था। रिंकू और ज्योति जल्दी जल्दी सारा सामान समेट रहे थे, और विक्रम पार्लर के कंप्यूटर में कुछ बिल वगैरह अपडेट कर रहा था। ज्योति ने उससे कहा, विक्रम सर थोड़ा जल्दी कीजिए, यहां रात में अक्सर घनी धुंध छा जाती है, अगर हम उससे पहले ही निकल लें तो अच्छा रहेगा। इस बीच रिंकू ने कहा, अरे कोई बात नहीं, अगर धुंध बढ़ गई तो पास ही मेरे मामा के घर चलते हैं ना, रात में तीनों लोग वहीं रुक जाएंगे। ज्योति और रिंकू मजाक कर रहे थे। विक्रम ने स्टोर के बाहर देखा तो उसे दूर पेड़ों के बीच जलती हुई लाइट्स दिखाई दे रही थीं, पर हाईवे पर धुंध बढ़ रही थी। अभी तो ठीक से सर्दी आई भी नहीं थी, फिर इतनी धुंध यहां कैसे हो सकती थी। विक्रम के देखते ही देखते धुंध बढ़ती गई और हाईवे पर पूरी तरह से छा गई। ज्योति ने भी धुंध को देख लिया था। उसने विक्रम से पूछा, सर आप कहां रहते हैं? विक्रम ने कहा, वो मैं शास्त्री नगर में रहता हूं। क्यों, क्या हुआ? ज्योति ने कहा,
सर, वहां जाने में तो आपको एक घंटा लग जाएगा, और उस धुंध में आप गाड़ी कैसे चलाएंगे? विक्रम ने कहा। अब क्या करें, घर तो जाना ही पड़ेगा। ज्योति ने कहा, सर आपको यहां आए अभी एक हफ्ता ही हुआ है, रात में इस धुंध में गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है, यहां हाईवे पर कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। विक्रम ने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां आसपास तो मैं किसी को जानता नहीं, और वैसे भी यार अपना घर अपना ही होता है, धुंध का क्या है, मैं गाड़ी थोड़ा धीरे चला लूंगा। इस पर ज्योति ने कहा, सर आप एक काम करिए, आप मेरे घर चलिए, आप रात में सोफे पर सो जाना और मम्मी के हाथ का खाना भी आपको मिल जाएगा। आपको घर जाने के लिए हाईवे नंबर 23 से जाना होता है ना, इस वक्त वो बहुत ही खतरनाक जगह है, वहां तो कम रोशनी में भी इतने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, फिर इतनी धुंध में आप वहां से मच जाइए। ज्योति की बात तो सही थी, विक्रम जानता था कि हाईवे नंबर 23 पर बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। वो हाईवे बस दो लेन का था और वहां कई पतले मोड़ थे। विक्रम इस पूरे हफ्ते उसी हाईवे से पार्लर आया था और दो चार बार उसका भी एक्सीडेंट होते होते बचा था। वैसे भी ज्योति की उससे कोई खास दोस्ती नहीं थी, और ऐसे एक दिन उसे अपने घर चलने के लिए कहना, ये थोड़ा अजीब था। विक्रम रिंकू को एक कोने में ले गया और पूछा, रिंकू यार, ये ज्योति तुम्हें मुझमें इंटरेस्टेड लगती है क्या? रिंकू ने कहा, अब बॉस कह नहीं सकते, पर हो भी सकता है, वैसे भी उसके घर पर उसकी मां तो रहती है, तो दिक्कत क्या है, पर बॉस उस धुंध में आप ड्राइव मत करना, मैं नहीं चाहता आपके साथ कुछ गलत हो। पता नहीं क्यों पर विक्रम को उस दिन रिंकू का बर्ताव अजीब लग रहा था। वैसे तो वो हमेशा ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता था, पर उस दिन रिंकू काफी चुप चुप सा था। रिंकू की यह बात विक्रम के मन में बैठ गई, क्योंकि रिंकू कोई ज्यादा नियम कानून मानने वाला इंसान नहीं था। वो अक्सर थोड़ी बहुत पीकर गाड़ी चलाता था, और कभी कभी तो वो बाइक से रेस भी करता था। फिर इस धुंध से उसे इतना डरते देख विक्रम थोड़ा चौकन्ना हो गया था। विक्रम और रिंकू पार्लर को ताला लगा रहे थे और ज्योति बाहर उनका इंतजार कर रही थी। विक्रम ने जाते हुए रिंकू से कहा, ठीक है रिंकू, कल मिलते हैं। विक्रम ने ज्योति से कहा, तुमने देखा आज रिंकू को क्या हुआ है, वो इतना सीरियस तो कभी नहीं रहता, आज उसने जाते हुए अपना क्वार्टर भी नहीं पिया। ज्योति ने कहा, हां सर मैंने देखा, पर आप चिंता मत कीजिए, ये धुंध के मौसम में वो थोड़ा परेशान हो जाता है, उसने कुछ समय पहले धुंध में बड़ा ही भयानक एक्सीडेंट देखा था, तब से वो धुंध से थोड़ा डरने सा लगा है। ज्योति का घर पास में ही था, वो दोनों घर पहुंचे और उन्होंने खाना साथ ही खाया। विक्रम ने उससे उसकी मां के बारे में पूछा तो ज्योति ने कहा कि वो उसके रिश्तेदारों के यहां गई हुई है और कल ही आएगी। विक्रम ने खाना खाया और वो सोफे पर लेटकर टीवी देखने लगा। ज्योति अपने कमरे में सोने चली गई थी, पर विक्रम का फोन वाइब्रेट पर लगा हुआ था, जो कि काफी देर से बज रहा था। विक्रम ने चेक करने के लिए अपना फोन उठाया तो उसमें 13 मिस्ड कॉल्स पड़ी हुई थी। ये विक्रम के रूममेट अमन की थी। विक्रम उसे कॉल बैक करने ही वाला था कि फोन पर एक मैसेज आया, कॉल मी बैक नाउ। इस मैसेज में सारे अक्षर कैपिटल में लिखे हुए थे, कुछ तो गड़बड़ थी। विक्रम ने तुरंत ही अमन को कॉल किया तो उसने बताया कि उनके घर में चोरी हो गई है, अभी रात के 2 बज रहे थे। उसे लगा कि अमन मजाक कर रहा था, पर वो सीरियस था। अमन ने कहा कि उसने पुलिस को बुला लिया है और वो थोड़ी देर में आते ही होंगे। विक्रम ने उससे पूछा, अबे मेरा प्लेस्टेशन, वो भी है कि चला गया? अमन ने कहा, यार वो कहीं दिख तो नहीं रहा। विक्रम ने कहा, ठीक है यार मैं अभी आता हूं। विक्रम ने सोचा कि इस वक्त ज्योति को उठाने का कोई फायदा नहीं है। उसने अपना बैग उठाया
और कंबल तहाकर एक तरफ रखा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। विक्रम को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने एक एक पैसे जोड़कर घर का सामान खरीदा था। उसके पास कोई सोना चांदी नहीं था, पर उसका वो प्लेस्टेशन, उसकी एक दो महंगी घड़ियां, टैबलेट, टीवी और ऐसा ही घर का सामान। गाड़ी में बैठते ही उसने अमन को एक मैसेज भेज दिया, जिसमें उसने लिखा कि धुंध की वजह से वो गाड़ी थोड़ा धीरे चला पाएगा और इसीलिए उसे आने में कुछ देर हो सकती है। विक्रम सड़क पर आया तो धुंध वाकई बहुत ज्यादा थी। वो जानता था कि उसे बहुत ही संभल कर गाड़ी चलानी पड़ेगी। उसने गाड़ी में कुछ गाने चला रखे थे, क्योंकि आज उसने बढ़िया खाना खाया था और उसे नींद तो आ ही रही थी। पर ना जाने क्यों कुछ ही देर में रेडियो के स्टेशन में काफी स्टैटिक आ रहा था। ऐसा लगता था कि FM के सिग्नल ठीक नहीं थे। झल्ला कर विक्रम ने रेडियो बंद कर दिया। उस धुंध में वो सिर्फ 40 की रफ्तार पर ही गाड़ी चला रहा था। ये धुंध इतनी गहरी थी कि विक्रम को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी कार की फॉग लाइट्स में दिखती सड़क पर बनी पट्टियां दिखाई पड़ रही थी और विक्रम उन्हें ही देखकर अपना रास्ता बना रहा था। उसे धुंध में कुछ दूर लाइट्स दिखाई दी और विक्रम ने गाड़ी और भी धीमी कर दी। थोड़ा आगे जाने पर उसे सड़क के एक तरफ खड़ी SUV दिखाई दी, जिसकी हाजर्ड लाइट्स चल रही थी। विक्रम ने उस SUV के पास गाड़ी रोक दी। वो अपनी गाड़ी से उतरा और SUV के पास गया। उस SUV के आगे के दरवाजे खुले हुए थे और ड्राइविंग सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था। वो काफी परेशान लग रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। विक्रम ने उससे पूछा, अंकल क्या आपको कुछ मदद चाहिए? मैं किसी को कॉल करूं? उस बूढ़े ने कहा, यहां कोई फोन काम नहीं करता, कोई फोन नहीं चलता। यहां हम सब मरने वाले हैं, मैं, तुम, हम सब। वो बूढ़ा जोर जोर से सांसें ले रहा था। विक्रम ने उसे कहा, क्या हुआ अंकल, आप बताइए तो, मैं आपकी मदद करूंगा। उन्होंने मेरी गाड़ी को खराब कर दिया, मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया था। इतने में उन्होंने पता नहीं क्या किया, मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, उस आदमी ने कहा। विक्रम ने कहा, कोई बात नहीं अंकल, मैं पुलिस को कॉल करता हूं, वो आपकी मदद करेंगे। गाड़ी का क्या है, वो तो सुबह तक भी यहीं खड़ी रहेगी ना। वो आदमी अब रोने लगा और उसकी सांसें काफी तेज चलने लगी थी। इस बीच विक्रम ने अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने लगा, पर फोन में नेटवर्क नहीं था और कॉल लग ही नहीं रही थी। विक्रम हवा में इधर उधर अपना फोन उठाकर देख रहा था, पर नेटवर्क मिल ही नहीं रहा था। इस 5G के जमाने में भी उसके फोन में एक भी नेटवर्क लाइन दिखाई नहीं दे रही थी। पीछे से वो बूढ़ा आदमी बार बार कह रहा था, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। विक्रम अब थोड़ा परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस रोते सुबकते आदमी को कैसे शांत किया जाए। उसे इन सब का कोई अनुभव नहीं था और वो ये भी नहीं जान पा रहा था कि इस आदमी की SUV को आखिर हुआ क्या था, क्योंकि उस SUV पर कहीं से भी एक्सीडेंट का कोई नामो निशान नहीं था। विक्रम उस आदमी के पास गया और बोला, देखिए अंकल, मेरे फोन में नेटवर्क तो आ नहीं रहा है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आगे पेट्रोल पंप पर छोड़ दूंगा, वहां से आप टो ट्रक बुला लीजिएगा। उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, तुम उन्हीं में से एक हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं यहां 6 घंटों से फंसा हुआ हूं, ये सड़क तो कब की खत्म हो जानी चाहिए थी, पर ये खत्म ही नहीं होती। विक्रम को लग रहा था कि कहीं ये बूढ़ा पागल तो नहीं है। उसने कहा, कोई बात नहीं अंकल, आप मेरे साथ चलिए, सब ठीक हो जाएगा, आप अभी तक तो सही सलामत हैं, देखिए। विक्रम की बात सुनते ही उस आदमी ने अपने ग्लोव बॉक्स से एक पिस्टल निकाल ली और उसकी तरफ तान दी। पिस्टल देखते ही विक्रम तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ भागा और अंदर बैठकर दरवाजा बंद कर लिया। विक्रम शायद सही था, यह आदमी पागल ही था।
विक्रम ने बिना देर करते हुए वहां से निकलना ही ठीक समझा। विक्रम इस वक्त तेजी से गाड़ी चला रहा था और उसकी सांसें काफी तेज थी। उसने तुरंत ही गाड़ी रोककर अपने बैग से अपनी दवा निकाली और उन गोलियों को पानी के साथ निकल गया। कुछ देर आगे जाने के बाद विक्रम ने गाड़ी थोड़ी धीमी कर दी थी। इस बीच उसका फोन दोबारा बजा। ये फोन ज्योति ने किया था। विक्रम ने हाईवे के किनारे कार रोकी और फोन उठाया तो दूसरी तरफ ज्योति काफी परेशान लग रही थी। उसने कहा, विक्रम सर आप कहाँ हैं? विक्रम ने कहा, मैं आधे रास्ते आ गया हूं, बस थोड़ी दूर और फिर मैं शहर में तो आ ही जाऊंगा। पर रास्ते में मेरे साथ कुछ बड़ा ही अजीब हुआ था, मैं वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा हूं। ज्योति ने कहा, सर आपको इस वक्त उस हाईवे पर नहीं होना चाहिए। आप अभी समझे नहीं हैं कि वो हाईवे कितना खतरनाक हो सकता है। मैं अभी गाड़ी लेकर आपको लेने आती हूं। विक्रम ने कहा, अरे नहीं ज्योति, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। वो तो रास्ते में मुझे एक पागल बुड्ढा मिल गया था, वैसे मैं ठीक हूं। विक्रम ये कह ही रहा था कि दूसरी तरफ से फोन कट चुका था। विक्रम ने दोबारा ज्योति को फोन करने की कोशिश की पर फोन लग नहीं रहा था। विक्रम को बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि अब वो हाईवे पर यहां ज्योति का इंतजार करे या फिर अपने घर जाए। अगर वो अपने घर जाता है तो ज्योति, जो कि इतनी रात में उसके पास आने के लिए निकल चुकी है, वो कहां जाएगी? या फिर अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो इसकी जिम्मेदारी विक्रम की ही होगी। विक्रम ने अपनी गाड़ी हाईवे पर रोकी और सड़क पार करके पेड़ों के बीच पेशाब करने चला गया। उस वक्त भी वहां अच्छी खासी धुंध थी जो कि सड़क से 2-3 फीट ऊपर तैर रही थी। विक्रम गाड़ी की तरफ पलटने ही वाला था कि उसे लगा कि उसने जंगल में कुछ देखा। उसे दूर जंगल में एक रोशनी दिखाई दी। उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो उसे एक आदमी की आकृति दिखाई दी जो शायद एक लालटेन पकड़े हुए था। विक्रम को उसे देखकर बस इतना समझ आया कि वो कोई लंबे कद का आदमी था। वो आदमी लंबा और थोड़ी भारी भरकम कद काठी का था। विक्रम को याद आया कि रास्ते में मिले उस बुड्ढे का डील डॉल भी कुछ वैसा ही था। विक्रम उस आदमी से दूर रहना चाहता था। वो पलटा और दबे पांव अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा पर पलटते ही विक्रम ज्योति से टकराया और गिर पड़ा। ज्योति ने उसे सहारा देकर उठाया। वो तुरंत ही उससे लड़ने लगी। वो कह रही थी कि उन दोनों को तुरंत ही यहां से चलना चाहिए इससे पहले कि यह धुंध और भी बढ़ जाए। पर विक्रम को समझ ही नहीं आ रहा था कि ज्योति इतना लंबा रास्ता तय करके यहां पैदल इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई। वो कह रहा था, ज्योति यहां से जल्दी चलो, वो पागल बुड्ढा यहां आस पास एक गन लेकर घूम रहा है। ज्योति ने विक्रम से कहा कि वह उसे कार चलाने दे। विक्रम वैसे ही थोड़ा हिला हुआ था पर ज्योति में उसे आत्मविश्वास नजर आ रहा था। उसने कहा, ठीक है। ज्योति ने कार का स्टीयरिंग संभाला और तेजी से गाड़ी हाईवे पर दौड़ा दी। ज्योति काफी तेजी से गाड़ी चला रही थी। विक्रम ने उसे एक दो बार टोका भी पर ज्योति की नजर सड़क पर जमी हुई थी। विक्रम ने उससे बात करने की कोशिश भी की पर ज्योति एकदम चुप थी। न जाने उसे कैसे सड़क दिखाई भी दे रही थी क्योंकि विक्रम को सड़क के किनारे लगी पेड़ों की कतारों और बीच सड़क पर तैरती हुई धुंध के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रम ने उसे कहा कि वो हाईवे पर आगे पड़ने वाले पेट्रोल पंप के पास कुछ देर के लिए गाड़ी रोक दे क्योंकि वो आज रात के हादसों से थोड़ा परेशान सा हो गया था। ज्योति तेजी से गाड़ी चलाते हुए पेट्रोल पंप पर पहुंच गई। विक्रम ने उससे कहा कि वो यहां 2 मिनट रुके, वो फ्रेश होकर आता है। विक्रम आज रात काफी परेशान हो गया था। वो बाथरूम में मुंह धो रहा था कि उसके फोन की घंटी बजी। विक्रम ने फोन देखा तो ये ज्योति का था। विक्रम ने फोन उठाते ही कहा, अरे मैं यहां हूं यार, तुम कार में क्या 2 मिनट नहीं रुक सकती? ज्योति ने कहा,
विक्रम तुम्हारे साथ कार में कौन है मुझे नहीं पता, पर मैं अब भी हाईवे पर हूं। मुझे घर से निकले 10-15 मिनट हो चुके हैं, पर मुझे तुम्हारी गाड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। ये सुनते ही विक्रम की जान सूख गई। उसने कहा, ज्योति मजाक मत करो यार, तुम मुझे डरा रही हो। ज्योति ने कहा, नहीं विक्रम मेरी बात सुनो, हम सब इसीलिए उस हाईवे पर जाने से तुम्हें मना कर रहे थे। तुम जितना समझ रहे हो ये उससे ज्यादा सीरियस है। उस हाईवे पर जब भी ऐसी धुंध जमा होने लगती है तब वहां कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल जरूर होता है। मेरे दादाजी के साथ भी ऐसा ही कई साल पहले हुआ था। उन्होंने अपनी जिंदगी में मुझे कभी इसके बारे में नहीं बताया सिवाय अपने आखिरी दिनों के। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने इस हाईवे पर क्या देखा था, पर अभी हमारे पास ये सब डिस्कस करने का वक्त नहीं है। तुम बस इतना समझो कि उस हाईवे पर जो भी है वो तुम्हारे साथ कोई भी खेल खेल सकते हैं। शायद ऐसा हो कि तुम्हें अपनी आंखों कानों पर भी भरोसा ना हो, पर तुम वैसा ही करना जैसा मैं कह रही हूं, क्योंकि उन्हें इस हाईवे पर तुम्हारी मौजूदगी के बारे में पता चल चुका है। तुम्हारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। विक्रम को ठंडे पसीने आ रहे थे। उसने कहा, ठीक है, वो ज्योति की बात मानेगा। उसे समझ आ गया था कि हाईवे पर जब से वो ज्योति से मिला था वो इतना चुप चुप और अजीब बर्ताव क्यों कर रही थी। ज्योति ने कहा, देखो तुम कुछ ढूंढो जिसे तुम हथियार की तरह इस्तेमाल कर सको, और उन्हें पता मत चलने देना जब तक तुम उन पर हमला करने के लिए तैयार ना हो। विक्रम ने हां कहकर फोन काट दिया। वो सोच रहा था कि वो ज्योति से पूछे कि वो कौन है, पर उससे पहले ही बाथरूम के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया और कहा, विक्रम तुम कहां रह गए? ये आवाज उस नकली ज्योति की थी। विक्रम को थोड़ा वक्त चाहिए था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, बस मैं 2 मिनट में बाहर आया। तुम जरा गाड़ी में देखो कि उसमें कोई लाइटर है क्या। बाहर से आवाज आई, ठीक है पर तुम जल्दी बाहर आओ यार। 1-2 मिनट बाद विक्रम ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। उसने उस पेट्रोल पंप पर कुछ ढूंढने की कोशिश की, पर वहां कुछ नहीं था। ना एक भी एम्प्लॉई, ना ही कोई हथियार, कुछ भी नहीं। उसने बाहर देखा तो ज्योति कार के पास खड़ी हुई थी। विक्रम ने सोचा कि अगर वो ज्योति के गाड़ी में बैठने से पहले ही गाड़ी लेकर वहां से भाग जाए तो वो उससे बच सकता था। विक्रम तेज कदमों से बाहर आया। ज्योति गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि विक्रम ने उसे पीछे से घसीटकर बाहर फेंक दिया। इस अचानक हुए हमले से ज्योति जोर से चिल्लाई। वह उछलकर विक्रम पर झपटी, पर विक्रम ड्राइविंग सीट की तरफ भागा। ज्योति उसके कार का दरवाजा खोलती उससे पहले ही वो गाड़ी में बैठ गया और दरवाजा बंद कर लिया। विक्रम ने तुरंत ही चाबी घुमाई और कार रिवर्स गियर में डाल दी। कुछ मीटर गाड़ी पीछे लेने के बाद विक्रम ने तुरंत ही गियर बदले और गाड़ी सड़क की तरफ मोड़ दी। उसने उस नकली ज्योति को अपनी कार से उड़ा दिया और वो छिटक कर दूर जा गिरी। विक्रम को सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो गाड़ी चलाता रहा। वो बार बार ज्योति को फोन लगा रहा था पर फोन नहीं लग रहा था। पर तीसरी बार में उसका फोन कनेक्ट हो गया। ज्योति ने पूछा, विक्रम तुम ठीक हो ना? विक्रम ने कहा, हां हां मैं ठीक हूं, पर ये साला हो क्या रहा है? ज्योति ने कहा, वो सब बताने का अभी वक्त नहीं है। तुम बस हाईवे नंबर 23 से बाहर निकलने का सोचो। वो सब आज बाहर निकले हुए हैं। बस ध्यान रखना कि उस हाईवे पर तुम्हें कोई भी दिखाई दे तो ना तो उससे बात करना और ना ही गाड़ी से बाहर निकलना। और वैसे भी तुम पेट्रोल पंप से बाहर निकल ही चुके हो, अब शहर ज्यादा दूर नहीं है। विक्रम ने फिर से पूछा, ज्योति ये वो कौन है? तुम किसकी बात कर रही हो? ज्योति ने कहा, उन्हें क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, पर वो खुद को किसी भी रूप में बदल सकते हैं, और यहां तक कि आसपास के माहौल को भी। तुम बस हाईवे से जल्दी निकलो। विक्रम एक स्पीड पर बड़े ध्यान से गाड़ी चलाता रहा। उसे अब दूर से शहर की स्ट्रीट लाइट्स दिखाई पड़ने लगी थी। उसे अब कुछ उम्मीद तो बन गई थी।
पर उसके बाद विक्रम के साथ बहुत कुछ हुआ। अपनी गाड़ी के आगे कुछ ही फीट पर उसे कार की बैकलाइट्स दिखाई दी। अपनी कार का एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए विक्रम ने एक तरफ गाड़ी काटी। इस सब के बीच उसकी स्पीड जरा कम हो गई थी, पर तभी उसकी खिड़की पर किसी ने अपना हाथ मारा। विक्रम ने विंडो की तरफ देखा तो उसके खौफ का ठिकाना नहीं था। ये शायद वही बूढ़ा आदमी था, पर विक्रम कोई चांस नहीं लेना चाहता था। वो आदमी विंडो पर हाथ मारता रहा, पर विक्रम ने कार नहीं रोकी। वो आदमी चिल्ला रहा था, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। उस वक्त मुझसे गलती हो गई थी, मेरे घर पर मेरी बीवी और बच्चे मेरे इंतजार कर रहे हैं, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज गाड़ी रोको। पता नहीं विक्रम को क्या सूझी कि उसने अपनी कार रोक दी। वो आदमी भागते हुए विंडो पर आया और कहने लगा, देखो उस वक्त मुझसे गलती हो गई थी, पर पता नहीं इस रास्ते पर मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा, मुझे मेरे घर छोड़ दो प्लीज। विक्रम को उस आदमी पर दया आ गई, उसने दरवाजा खोल दिया और वो आदमी विक्रम के साथ वाली सीट पर आकर बैठ गया। विक्रम ने उससे पूछा, तुम्हारी गन कहाँ है? उस आदमी ने अपनी गन विक्रम के सामने डैशबोर्ड पर रख दी। उसने कहा, तुम परेशान मत हो, ये यहीं रहेगी तुम्हारी आंखों के ठीक सामने। विक्रम उसके साथ अब थोड़ा सहज हो गया था। उस आदमी का नाम ब्रजेश था, वो शहर में दूसरी तरफ रहता था और विक्रम को वो अब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। विक्रम ने उससे पूछा, ब्रजेश जी आपका हाईवे नंबर 23 पर कैसे आना हुआ? इस पर वो आदमी कुछ नहीं बोला, वो अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। वो विक्रम की तरफ पलटा तो वो मुस्कुरा रहा था, वो भी बड़े ही अजीब तरह से। उसकी आंखें भी बदल चुकी थीं, वो अब पूरी काली हो गई थी। विक्रम को समझने में देर नहीं लगी कि ये क्या है। विक्रम और वो आदमी दोनों ही उस गन की तरफ झपटे। विक्रम ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और गन अपने हाथ में ले ली, पर वो आदमी विक्रम पर टूट पड़ा था, वो उसके हाथ से बंदूक लेना चाहता था। इस हाथापाई में कार हाईवे पर एक तरफ से दूसरी तरफ लहरा रही थी। विक्रम ने किसी तरह वो गन उस आदमी की तरफ मोड़ दी और ट्रिगर दबा दिया। उस गोली की आवाज से विक्रम के कान बज गए थे। उसने गाड़ी एक तरफ रोकी और उस आदमी को या शायद उसकी लाश को गाड़ी से धक्का देकर बाहर फेंक दिया। विक्रम ने वो गन जंगल में घने पेड़ों में फेंकी और अपना ध्यान घर पहुंचने में लगाया। विक्रम अब काफी तेजी से कार चला रहा था। उसने ज्योति को फोन लगाया, 3-4 बार कॉल करने के बाद उसका फोन लग भी गया। ज्योति कह रही थी, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी पर मुझे वापस जाना पड़ा, इस हाईवे पर खतरा बहुत बढ़ गया था। आई एम सॉरी विक्रम, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। विक्रम ने कहा, कोई बात नहीं ज्योति, मैं ठीक हूं, उनमें से एक ने मुझ पर हमला किया था पर भगवान की कृपा से मैं बच गया। विक्रम तब तक ज्योति से बात करता रहा जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि वो सही सलामत अपने घर पहुंच चुकी थी। उसके बाद विक्रम ने कहा कि वो घर पहुंचकर उससे बात करेगा। विक्रम को पसीने आ रहे थे और वो अब भी कांप रहा था, पर उसे अब शहर दिखाई दे रहा था और वो धुंध भी हल्की पड़ती जा रही थी। विक्रम अपने घर पहुंचा और डोरबेल बजाई। दरवाजा अमन ने खोला। अमन को सामने देखते ही विक्रम ने पूछा, पुलिस ने क्या कहा अमन? अमन ने कहा, पुलिस? कौन सी पुलिस भाई, क्या हुआ है तुझे और तू ये इतना परेशान कैसे है, कोई बात है तो बता। विक्रम ने एक नजर घर के लिविंग रूम की तरफ डाली, वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे देखकर लगता कि वहां कोई चोरी हुई थी। उसका प्लेस्टेशन अब भी टीवी के पास ही रखा था। विक्रम ने कहा, अरे वो मैंने शायद न्यूज में देखा था कि हमारे घर के पास चोरी हुई है, मुझे लगा शायद कॉलोनी में पुलिस आई होगी। अमन ने कहा, नहीं यार यहां तो कुछ नहीं हुआ।
विक्रम बिस्तर पर लेट गया और उसने मन ही मन पक्का कर लिया था कि वो अब कभी भी हाईवे नंबर 23 पर धुंध के वक्त नहीं जाएगा। वो अगली सुबह अपने वक्त पर उठा और ऑफिस के लिए तैयार हो गया, पर अब उसे इसी हाईवे से होकर पार्लर तक जाना था। उसने आसमान देखा तो वो बिल्कुल साफ था। विक्रम ने गूगल मैप पर भी चेक किया कि क्या वो किसी दूसरे रास्ते से वहां जा सकता था। उसे एक दो रास्ते मिले, पर वहां से जाने पर उसे लगभग दोगुना वक्त लग जाता। विक्रम ने नाश्ता करने के बाद अपनी दवाएं ली और कार लेकर पार्लर की तरफ निकल पड़ा। वो हाईवे बिल्कुल रोज जैसा ही लग रहा था, पर विक्रम कल रात पेट्रोल भराना भूल गया था और उसे रास्ते में पड़ने वाले पेट्रोल पंप पर रुकना ही था, पर उसे दूर से ही पेट्रोल पंप पर लगी भीड़ दिखाई दी। उस भीड़ को देखते ही विक्रम ने गाड़ी रोक दी। वहां पुलिस की कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई थीं। विक्रम ने गाड़ी सड़क के दूसरी तरफ लगाई और पेट्रोल पंप पर पहुंचा। वहां काफी लोग जमा थे, जिनमें से रिंकू भी था। उसने रिंकू से पूछा, क्या हुआ रिंकू, ये सब क्या चल रहा है? रिंकू रो रहा था। उसने कहा, सर किसी ने ज्योति के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, वो जो भी था उसे हॉस्पिटल भी नहीं ले गया। आगे हाईवे पर एक और आदमी को गोली मारी गई है, उसका नाम ब्रजेश था। सर पता नहीं कौन था, उसने उसे गोली मारकर पेड़ों के पास फेंक दिया था। विक्रम ने पूछा, तो ज्योति अभी वो कहां है? रिंकू ने कहा, विक्रम सर वो अब नहीं है, जब हमने उसे सुबह देखा तो वो मर चुकी थी। विक्रम ये सुनकर पागल सा हो गया था। उसे शायद एक पैनिक अटैक आया था। वो अपनी कार में जाकर बैठ गया और अपने डैशबोर्ड पर घूंसे मारने लगा। रिंकू उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वो बेकार थी। पुलिस ने विक्रम से कभी कोई पूछताछ नहीं की, क्योंकि उस शाम धुंध की वजह से पार्लर के कैमरे में कुछ भी साफ साफ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। वो कॉल जिसमें ज्योति ने उसे कहा था कि वह उसे हाईवे पर लेने आ रही थी, इसके अलावा ना तो विक्रम के फोन में अमन की कॉल का कोई रिकॉर्ड था और ना ही ज्योति की बाकी किसी और कॉल का। ये विक्रम के साथ क्या हुआ था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या विक्रम ने एक ही रात में दो दो खून कर दिए थे? पर कैसे? वो तो ज्योति नहीं थी और ना ही वो आदमी कोई इंसान था। या फिर ये सब उसके पैनिक डिसऑर्डर की वजह से हुआ था? इस बात का जवाब विक्रम के पास नहीं था, पर उसके इन गुनाहों का खामियाजा तो उसे ही भुगतना था और इनका पाप भी विक्रम के ही सर था। वो वहां से तुरंत ही अपने घर चला गया और अपना सामान पैक करके उसी रात उसने शहर छोड़ दिया। पर ये दो मासूम लोग जिनका उसने पिछली रात खून किया था, उनका क्या? अब विक्रम चाहे खुद को दोष देता, चाहे अपने पैनिक डिसऑर्डर को, या फिर चाहे भूतों को, उस सड़क पर कुछ तो ऐसा था जिसने विक्रम का दिमाग खराब कर दिया था और उसने फैसला कर लिया था कि वो अब कभी भी धुंध में गाड़ी नहीं चलाएगा।